अनूपपुर में अडानी ग्रुप का पदार्पण हो गया है। दरअसल अनूपपुर में स्वीकृत गैस पाइपलाइन का कार्य बरबसपुर पहुंच चुका है, जो कुछ ही दिनों में शहर में पदार्पण करेगा। लेकिन अडानी ग्रुप सारे नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहा है। यहां तक कि अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट हेड मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं और शिकायतों के बाद भी जिला प्रशासन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आखिरकार अडानी जैसे प्रोजेक्ट में हाथ डाले तो कैसे डाले, क्योंकि अडानी को कौन नहीं जानता और शायद इसी के चलते प्रशासन की मौन स्वीकृति मिली हुई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रोजेक्ट के तहत अडानी ग्रुप ने अनूपपुर जिले में घरेलू गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है। जिला मुख्यालय की सीमा में बरबसपुर में तीव्र गति से गैस पाइपलाइन डाली जा रही है। इस कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन नियंत्री के द्वारा जो परमिशन दी गई है, उसका अडानी ग्रुप द्वारा खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति लोक निर्माण विभाग में दर्ज करा दी है। कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। स्थानीय लोग भी अडानी ग्रुप के इस हठधर्मिता के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। ये जो आरओडब्ल्यू है, आरओडब्ल्यू के बाहर इनको काम करना है और ये लोग आरओडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे हैं, यही आपत्ति है। क्या होता है आरओडब्ल्यू, सामान्य भाषा में अगर अपन जनता को बताना चाहें, जनता को ये अगर समझाना चाहें तो इसमें है कि ये रोड जो है उस रोड पर कोई भी निर्माण काम नहीं होगा। जो आरओडब्ल्यू होता है, हर रोड का अलग अलग होता है, एनएच का अलग होगा, स्टेट हाईवे का अलग होगा, विलेज रोड का अलग होगा। ठीक है, हमने एसडीओ साहब खुद बुलाया, वो जांच कर रहे हैं, अभी जांच कर रहे हैं और अभी वो उस हिसाब से फिर कार्रवाई करेंगे। लोगों के, आम जनता की सुरक्षा का मामला है, उनके जानो माल का मामला है, तो बहुत सीरियस इशू है। और इस अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर ये माना जाएगा कि प्रशासन भी इसमें लीन है या मिलीभगत हुई है इन सब चीज़ों में। इस पर घोर आपत्ति की जाएगी, न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी और साथ में विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। थैंक यू। नियम के बारे में तो आप विभागीय जांच में सब सामने आ गया, कम से कम 10-11 मीटर दूर होना चाहिए। 15 मीटर का दूर, 15 मीटर। अभी ये कितने मीटर में डाला? अभी ये तो एक मीटर, आधा मीटर करके तो बिल्कुल उधर आप आगे गड्ढा फाड़ दिया गया है रोड से ही। और रात को हैवी गाड़ी निकलती है, परिणाम आदमी चकचका जाता है, कई एक्सीडेंट हुए, लोग मरते मरते बचे, हॉस्पिटल पहुंचे। तो हमें आपत्ति है कि अपने नियमों के अनुसार पीडब्ल्यूडी से जो इनका समझौता है उसके अनुसार कार्रवाई करें। इस मामले को लेकर जब इस अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट इंचार्ज प्रशांत कुमार से हमने बात करनी चाहिए तो वह हमारे सवालों से भागते नजर आए। हालांकि अडानी ग्रुप का काम करने वाले प्रोजेक्ट वेंडर ध्रुव कुमार ने हमसे जरूर बात की और कहा कि उनके पास अनुमति है, पर जहां की अनुमति है वहां पर अतिक्रमण है। परमिशन तो दिया है सर, कहाँ पे डालने का? आरओडब्ल्यू से 15 मिनट बाहर। क्या आरओडब्ल्यू से 15 मीटर है जहाँ पाइपलाइन डाल रहे? 15 मीटर के बाहर, 15 मीटर में एंक्रोचमेंट है सर। एंक्रोचमेंट है, एंक्रोचमेंट है तो आप रोड पे डाल देंगे? ये तो नहीं, रोड से तो नहीं है। तो आरओडब्ल्यू में डाल रहे ना आप? आरओडब्ल्यू में डाल रहे ना? तो आरओडब्ल्यू में आप काम क्यों कर रहे हैं? आरओडब्ल्यू में नहीं कर रहे सर, नहीं कर रहे हैं। आरओडब्ल्यू सेंटर से 15 मीटर होता है, ये अभी आप कितने मीटर पे डाल रहे हैं सेंटर से? अभी हम लोग देख, यही देख लेते हैं सर। आप ही बता दें ना, आप देख के बताइए। यहाँ नहीं रहेगा सर, यहाँ नहीं। सेंटर से कितने मीटर पे डाले आप? नहीं, 8 मीटर पे डाल रहे हैं। देता हूँ, सेंटर से 8 मीटर पे आप डाल रहे हैं, 15 मीटर पे डालना चाहिए सर। तो अभी ना नापे आप पाइपलाइन गड्ढा खोद रहे हैं क्या? अभी जो वहाँ पे कितना मीटर है? वहाँ हो रहा है 10-12 मीटर पे डाले हैं। 10-12 मीटर का है, 10-12 मीटर के आसपास। अभी आप पीडब्ल्यूडी एसडीओ के सामने 8 मीटर बता रहे थे, अब 10-12 मीटर हो गया। आपको खुद भी नहीं पता कि आप कितने मीटर पर डाल रहे हो यार। परमिशन आपको 15 मीटर के बाहर डालने की है, तो आप ये वायलेंट क्यों कर रहे हो? एंक्रोचमेंट है ना सर, एंक्रोचमेंट तो आप प्रशासन से कहिए ना हटाने के लिए, कि आप खुद निर्णय करेंगे। हमने किया है। अगर मान लीजिए बीच रोड में हो तो बीच रोड खोद के डालेंगे क्या? बीच रोड में तो। इस पूरे गड़बड़ झाले को लेकर जब जिम्मेदारों से बात की गई तो वह जांच की बात करते नजर आए। अभी जो भी आप बोल रहे हैं ये मेरे संज्ञान में लाया, मैं इसको अभी अपने एसडीओ को भेज करके इसकी जांच करा लेता हूँ, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। सुरक्षा का वायलेशन हो रहा है सर इस पूरे मामले, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं इसको देख लेता हूँ उसमें क्या क्या उसमें उन्होंने वायलेट किया है। अगर होगा तो उनमें हम उससे पैसा जमा कराते हैं, उसकी पीजी जमा होती है,
अगर कोई भी होगा तो शासन के जो भी नियम होंगे उसके आधार पर कार्रवाई। जिस सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ये नारा लगाया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ठीक उसी तर्ज पर सारे नियम कायदों को तोड़ते हुए अडानी ग्रुप ये काम कर रहा है। नियम कानून अडानी ग्रुप के हिसाब से चल रहे हैं और जिला प्रशासन है कि आंख मूंदे हुए बैठा है। अनूपपुर से अनादि टीवी के लिए नियामुद्दीन अली की रिपोर्ट।